नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं अनिल चौधरी, अभी फिफ्थ ईयर में हूँ अल्माटी कजाकिस्तान में और कजाकिस्तान मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूँ। अभी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट आए तो उनकी फ्रेशर पार्टी रही है। ये मेरा जूनियर है विशाल काजरा जो फोर्थ ईयर में, अभी जस्ट मेरे पीछे देखो फ्रेशर पार्टी का जो चल रहा है कार्यक्रम। तो विशाल काजरा जी, कैसा लगा आपको ये कार्यक्रम? गुड इवनिंग सर, पहले तो आपकी तरफ से मैं आपका जूनियर, फोर्थ ईयर चल रहा है मेरा और ये काफ़ी अच्छी फ्रेशर पार्टी चल रही है। बहुत ही अच्छी तरीके से मैनेज किया है फ्रेशर पार्टी को और जूनियर्स हमारा इंटरेक्शन करवाया है। बाकी यहाँ पे अल्माटी में इतना समय मिलता नहीं है कि ना कि हम अपने जूनियर से पर्सनल इंटरेक्ट हो पाएँ, तो एक फ्रेशर का ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज़रूरी होता है जिस वजह से हम जूनियर्स को जान पाए और अगर कभी भविष्य में हम उनसे इंटरेक्ट करें और हम उन्हें हमारी ज़रूरत हो कोई गाइडेंस वगैरह की तो हम इजीली उनको दे पाएँ और उनसे इंटरेक्ट हो पाए। इसलिए बहुत ही अच्छा प्रोसेस है उनसे इंटरेक्ट करवाने का। और काजरा जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा विदेश में रैगिंग का क्या सिस्टम है, आपको लगा या रैगिंग होती है या नहीं होती है, किस लेवल की होती है, इंट्रो होता है, क्या होता है? एक बार आने वाले स्टूडेंट्स के लिए बताइए, काफ़ी डरे रहते हैं वो। नहीं नहीं सर, रैगिंग का कोई प्रोसेस नहीं है, बस इतना है कि गाइडेंस की ज़रूरत होती है जूनियर्स को, उनके लिए प्रॉफिटेबल होता है अगर वो किसी सीनियर के साथ इंटरेक्ट रखें अपना तो बहुत अच्छा है उनके लिए, उनको भविष्य में कभी कोई दिक्कत नहीं होती। और कहीं भी ज़रूरत हो तो हर सीनियर जूनियर की हमेशा हेल्प करता है, चाहे कुछ भी हो, कहीं से भी वो बंदा हो, अदर स्टेट से हो या अन्य स्टेट से हो, नॉन में हो या नॉन में हो, इसलिए जूनियर्स के लिए बहुत ही प्रॉफिटेबल होता है अगर अपने सीनियर्स के साथ इंटरेक्ट रखें और उनसे दोस्ती रखें तो। और दोस्तों, मैं आपके लिए बताना चाहूँगा, विशाल काजरा बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता है और मैं इसका डायहार्ड फैन हूँ क्रिकेट में। और एक बार मुझे अभी भी याद है कि मैं बॉलिंग करा रहा था, पहली बॉल मिस हुई, अगले पांच बॉलों का पांच छक्के लगे, उस दिन के बाद मुझे अगले चार पांच दिन तक किसी ने बॉलिंग नहीं दी और इसलिए मैं लाइन लेंथ में काटी है, लेकिन ऑल ओवर प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा। काजरा जी, आपसे मिलकर मेरा दिल गर्म कार्यक्रम हुआ और आपके चुनाव का मार्गदर्शन किया वो काफ़ी तारीफ है और आई होप आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट हो, ऐसा मैं आपके लिए कामना करूँगा। अगेन आप चुनने के लिए आपको क्या मैसेज देना चाहेंगे? थैंक यू सर, आपने मेरे को इंटरेक्ट होने के लिए मौका दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच। और जूनियर्स के लिए मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जैसा भी हो उनको है ना, मतलब यहाँ की सोसाइटी को सीखने के लिए हमें अपने आप को समय देना चाहिए, पहले ज़्यादा फ्रीडम में नहीं रहना चाहिए, शुरुआत में उनको यहाँ पे रूल्स रेगुलेशन को सीखने के लिए टाइम देना चाहिए, फिर उसके बाद में अपने आप को थोड़ा ओपन आउट होने का मौका दें, नहीं तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स वगैरह हो सकती हैं जो कि उनका भी नॉलेज नहीं है इस बारे में। और इसलिए ना सभी के साथ मिलजुल कर साथ रहें तो बहुत अच्छा होगा। तो थैंक यू काजरा जी, आपने अपना टाइम स्पेंड किया हमारे साथ और काफ़ी अच्छा जूनियर के लिए नॉलेज दी है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ब्लॉग में ऑथेंटिक अपडेट के साथ। आज के लिए इतना ही, जय हिंद, वंदे मातरम।